एक पुरानी कहानी है। एक जमाने में एक डायनासोर का बहुत ही कीमती और रंगीन अंडा हुआ करता था। उस अंडे में जादुई शक्तियां थी। उस अंडे से हम अपने बीते और आने वाले कल में आ जा सकते थे। उस अंडे को पाने की ख्वाहिश तो बहुतों की थी, इस उम्मीद में कि उस अंडे से उनकी किस्मत बदल जाएगी। लोग पागलों की तरह उस अंडे को ढूंढने निकल पड़ते थे। एक दिन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी को वो अंडा मिल गया और वो उन बुरी ख्वाहिशों के बारे में सोचने लगा, जिसके कारण दुनिया को बहुत खतरा हो सकता था। और फिर उसने उस अंडे को छुपाने का फैसला किया। उसने उसे एक ऐसी खुफिया जगह छुपाया जहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। तो क्या ये अंडा सुरक्षित रह पाएगा?
की वजह से हमें अपना मिशन रोकना पड़ा। अब हम आगे क्या करेंगे डॉक्टर? प्राचीन डायनासोर की किताब कहाँ है? सर, हल्लू कछुए के पास। और ये कौन है? अब ये क्या है, हल्लू कछुआ और ये दोनों काफी करीबी दोस्त थे। उस प्राचीन डायनासोर की किताब तक ये हमें पहुँचाएंगे। ठीक है डॉक्टर। और रही बात डायनासोर के अंडे को बचाने वाली टीम की, उनको छानबीन के मिशन पर लगा दो। पर सर, जूनियर स्टाफ को तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट मिशन उनके हाथ में देंगे तो कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर वो लोग डायनासोर के अंडे की सुरक्षा का काम ले सकते हैं तो उन्हें उस अंडे के हरकतों और खूबियों के बारे में अच्छे से पता होगा। अच्छा, तो ये बात है। पर अब रीटा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। रड्डू, क्या तुम ठीक हो? अब जो कि मैं प्यारा सा जानवरों को बचाने की संस्थान का मेंबर हूँ तो मुझे इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद ऊपर जा रहा हूँ। तुमने मुझे पीछे छोड़ा, तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी तमन्ना को बिगाड़ना नहीं चाहता। रुको! किसने सोचा था कि जड़ा डायनासोर इस जगह के अंडे देगी? हाँ, हमें इन स्पेशल अंडों की मदद करनी चाहिए और इन सारे डायनासोर्स में से जो सबसे फालतू अंडे हैं, उनके पास भी जादुई ताकतें हैं। और जो ड्रैगन डायनासोर है उसके अंडे खाके तो हम उड़ने लगेंगे। इसीलिए डायनासोर पार्क में से डालने से पहले इसकी छानबीन करना चाहता हूँ। ये क्या है? अंडों की खुशा खुशा सुनना बंद करो, आवाज नीचे से आ रही है। नीचे देखो, ये तो दाने को कैसे खाने वाला राक्षस है।
मिशन पूरा करना है, चाहे तेरी उंगली से क्यों ना अंडा चुराना पड़े। अब तू मेरी बात सुन बे। मैंने जिंदगी और मौत से लड़ते हुए उन डायनासोर के अंडों की रक्षा की है। मैं हूँ रंडू खरगोश। चाहे तू जहाँ भी चले जाए, मैं वो अंडा वापस ला के रहूँगा। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। उनके पास हर किस्म के डायनासोर के अंडे हैं और बहुत सारी जानकारी भी। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। तुम यार बड़े ढीले ढाले हो, तुम्हारी वजह से एक अंडा चला गया। अंडा हर किस चोरी नहीं होता अगर तुम अपनी नौटंकी नहीं करते। अच्छा, मेरी गलती है क्या? कौन अपनी गलती नहीं मान रहा? तुम्हारी गलती थी। मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी। नहीं नहीं, तुम्हारी ही गलती थी। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो अभी कहूँगा सारी गलती तुम्हारी थी। तुम मुझ जैसे टैलेंटेड खरगोश पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कौन है तुम? I'm sorry, क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? अब आप कौन हैं? एक्चुअली दरवाजा खुला था और बाहर बहुत गर्मी थी, तो मैंने सोचा मैं अंदर आ जाऊं। हाय, ए आलू, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था क्या? बंद तो किया था पर कुंडी लगाना भूल गया। भूलने की बीमारी तो मुझे भी है। हम दोनों स्मार्ट लोग यहाँ डायनासोर के अंडों की खोज करने आए हैं। और आपकी तारीफ? मैं अपने से पहले इनकी तारीफ करना चाहूँगी। ये है डॉक्टर कयामत, एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट। डायनासोर की सुरक्षा है ये उन कीमती रंगीन डायनासोर के अंडों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम है रे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हम डायनासोर सुरक्षा दल की सेवा काफी सालों से कर रहे हैं। और आपके आने की वजह क्या है? ये तो उस प्राचीन कीमती रंगीन डायनासोर के अंडों की पर्ची है। उन अंडों की कहानी और उनका पूरा पता उस पर्ची में था। जैसा कि कहानियों में कहा जाता है, उस शक्तिशाली अंडे में टाइम के आगे पीछे जाने की शक्ति है। वो दुनिया की सबसे अनोखे डायनासोर का अंडा है। वो अंडा आज तक कोई नहीं ढूंढा। मैंने भी सुना है, पर ये तो सिर्फ एक कहानी है ना? हमें भी पहले ये कहानी लगी थी, पर अब हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। पर पर्ची का दूसरा हिस्सा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसीलिए हमें और सुरागों की जरूरत है। एक और सुराग? कैसा सुराग?
कहा जाता है कि आज से करीब 500 साल पहले एक बहुत ही समझदार बाबा को वो अंडा मिला था, पर उसने उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और फिर उसने उस अंडे को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। मैंने सुना है कि उस राजदार कीमती अंडे को पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर कहानी में उस अंडे का पता नहीं बताया गया है। उस बाबा ने दो सुराग छोड़े थे, एक थी वो पर्ची और दूसरा वो प्राचीन डायनासोर की किताब। इसे ढूंढने और पाने के लिए बहुत पैसे और लोगों की जरूरत पड़ी थी, पर दरअसल एक हादसा हो गया था। किताब और हमारी ढूंढने वाली टीम दोनों ही गायब हो गए। उस बाबा ने उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया ना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस किताब की खोज तुम लोग करो, बदले में जितने पैसे चाहिए मांग लो। सच में आपके साथ काम करके कितनी खुशी हुई। किताब मिल जाए। रुकिए, अगर आप कीमती रंगीन डायनासोर के अंडे की खोज कर रहे हैं तो फिर आपको किसी बड़े आदमी के पास जाना होगा। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है हम दोनों से ज्यादा अक्लमंद कोई हो सकता है? बिल्कुल है, वो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त हल्लू कछुआ। दोस्त? मुझे लगता था मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। कीमती रंगीन डायनासोर के अंडे के बारे में मैंने उसी से सुना था, उसने अपनी पूरी जिंदगी की खोज में लगा दी, अंडे को ढूंढने का जुनून उसमें कूट कूट कर भरा था। हमारी सर्चिंग टीम का खोया हुआ मेंबर और कोई नहीं हल्लू कछुआ था। हल्लू कछुआ गायब है? अरे नहीं, एक ही सुराग था और वो भी गायब हो गया। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारी मदद करो। अगर ऐसी बात है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस केस को अपने हाथ में लूं। कितनी खुशी की बात है कि आप ये केस संभाल रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? वैसे काफी देर हो गई है, इस मीटिंग को यही खत्म करते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं, हमारी गाड़ी रुकी हुई है। आलू क्या बोलते हो दोस्त, मजा आ रहा है ना? या क्या बात है, हमारे लिए यहाँ गाड़ी खड़ी है? ये गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। चलो चल के थोड़ा नाश्ता कर लो। तो फिर मैं निकलता हूँ, रीटा तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकेगी। असल में हम दोनों बहुत ही प्रोफेशनल हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये खुफिया मिशन है, याद रखो किसी पर भरोसा मत करना। आप दो फिक्र मत कीजिए, हम लोग बहुत जोशीले हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, गुड बाय। बाय बाय, इस प्रोजेक्ट पे काम करने में बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम सारी चीजें ले आए ना? हाँ, मैं सब ले आया, नक्शा, खाना, पानी, टॉर्च और ये देखो मैं ये भी ले आया। अरे ये क्या है? डायनासोर को बुलाने वाला यंत्र, मैंने इसमें कुछ खास डायनासोर बंद करके रखे हैं, जब हम अंडा चोर से मिलेंगे तभी बहुत काम आएगा। ये अंडा चोर क्या है? उस दानव का ध्यान उन डायनासोर के अंडों की तरफ 120% है, वो आसपास के किसी भी अंडे को ये तो सुन सकता है, मार सकता है। ठीक है, प्राचीन डायनासोर की किताब को खोज कर निकालते हैं।
बोलने की बीमारी है, दरवाजा खुला ही छोड़ गए। अरे बाप रे, लगता है तुम्हारे दोस्त को बहुत ही ज्यादा गंदगी पसंद है। इतना कबाड़ तो मेरे घर में भी नहीं है। वो बहुत ही सफाई से रहने वाला था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। तो वो डायनासोर की किताब कहाँ होगी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई और भी था जो इस किताब को हत्याना चाहता था। कछुए, हल्लू कछुए, क्या तुम यहाँ पर हो? हल्लू कछुए, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? हम हमेशा अनजान शक्तियों के पीछे पागल होते हैं, ये हमारे अंदर की तमन्ना होती है। मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, हल्लू कछुए का नामो निशान नहीं है। हमें अब निकलना चाहिए यहाँ से, भगवान करे वो ठीक हो। खरगोश, तुम वहाँ कर क्या रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। अरे रुको, कहाँ चले? मेरा विश्वास तो करो। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घबराए हुए हो। वो क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? इस रेगिस्तान में ये गाड़ी कैसे खराब हो गई यार? सबसे पहले तो हम तीनों का वजन बहुत ज्यादा था, दूसरा हवा बहुत तेज आ रही है तो इंजन में रेत घुस गई है, ये तो होना ही था ना? ये तो अंडे चोर है। ये है अंडे चोर? ये चोर अंडा चुरा कर उसे खा जाते हैं। अंडे को सूंघने की खास शक्ति की वजह से हजारों मील दूर से अंडे को सूंघ लेते हैं। पर हमारे पास तो डायनासोर के अंडे नहीं है। मेरे पास है। ये तो चकमा देने के लिए था ना? नन्हे डायनासोर हमारी मदद करेंगे। बड़े दिनों बाद यार। इतनी कमाल की बात है, तुम ठीक थे, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, पर हमने देखा कि तुम्हारा घर। एक खुफिया संस्था उस प्राचीन डायनासोर की किताब को ढूंढना चाहती है। प्राचीन डायनासोर की किताब? क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। एक बार वो कीमती डायनासोर का अंडा इन शैतानों के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए मैं हमेशा छुपके रहता हूँ। मैं तो इसीलिए बाहर आया आलू, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा। सुना है कि तुम्हें पता है प्राचीन डायनासोर के अंडे के पास टाइम ट्रैवल की शक्ति है। मुझे लगता है इसलिए उस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन की नजर उस पर है। एक डायनासोर का अंडा बहुत कुछ बता सकता है। तुम बहुत ही भोले हो। अगर ये शैतान लोग टाइम में ट्रैवल करने लग गए तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये लोग सबको गुलाम बनाकर उन पर राज करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ढूंढे जाने का डर था, इसलिए तुमने डॉक्टर कयामत की खोजी टीम छोड़ दी। उस एक पर्ची के लिए उस रोबोट ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है,
एक रोबोट। अच्छा, उन्हीं के साथ है जो हमारे अंडे चुराने की कोशिश कर रहा था। लगता है कि हम किसी शैतानी दिमाग के जाल में बुरी तरह फंस रहे हैं। अब ये क्या है? ये तो बना रोबोट है भागो। बेवकूफ हो तुम, कितने घमंडी हो तुम। तुम्हें भी बिजली का झटका चाहिए क्या? बस करो, मैं कहता हूँ उस खरगोश को छोड़ दो। वाह, आ गया हमारा हीरो। मुझे उस कीमती रंगीन डायनासोर के अंडे के बारे में सब पता चल चुका है। हल्लू कछुए, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बात कभी मत भूलना कि हम सब दोस्त हैं। हल्लू कछुआ, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो वो हो जो अपने दुश्मनों को भी बचाता है और कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हल्लू कछुआ, तुम लोग बहुत जोर मचाते हो। मुझे चलना चाहिए। और क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। तुम तो कयामत हो। तो इन सारी शैतानी चालों के पीछे तुम्हारा ही दिमाग था ना? उस किताब को ढूंढने के लिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया। धोखा। हल्लू कछुए ने पहले ही इस किताब को कुरियर से मुझे भेज दिया था। क्या? तो इसका मतलब किताब हमारे पास थी। अब मेरे पास एक नया आइडिया है। क्या? अगर ये लोग खुद को इतना लायक समझते हैं, तो बेहतर होगा कि यही दोनों जाकर अंडे को लाने का जोखिम उठाए। तुम्हारे शैतानी प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे हम। नहीं, ये तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। इस पिंजरे में 2000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इन तीनों को भून दिया जाएगा। और पांचवे दिन पर नीली पहाड़ी पर मिलते हैं, और अगर तुम्हें इनकी जान प्यारी है तो वो अंडा लेके जरूर आना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इस किताब के मुताबिक हमें पांच तत्वों से गुजरना होगा, जो कि है धातु, मिट्टी, पानी, आग और पृथ्वी। हरे पड़ाव अतरंगी जानवर और खतरों से भरा हुआ है। हरे पड़ाव के बाद हमें एक चाबी का हिस्सा मिलेगा। सारे पड़ाव पार करने के बाद ही हम उस चाबी को पूरा कर पाएंगे। उस चाबी के साथ हम उस बक्से को खोल पाएंगे जिसमें अंडा है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, चलो चले। आलू, मैं थक गया, मुझे रुकना है। रास्ता लंबा है। अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम उस पत्थर पर कैसे बैठ सकते हो? मैं अगर इस पत्थर पे नहीं बैठूं, तो क्या मैं बर्फ में बैठूं? मेरा बम्बू ठंडा पड़ जाएगा, मुझे सर्दी लग जाएगी, और यहाँ डॉक्टर कौन मिलेगा? ये बहुत खतरनाक है, अगर तुमने उसे हिला दिया तो यहाँ बर्फ का तूफान आ जाएगा और हम मर जाएंगे।
किसी ने तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे में बुद्धि कम है। ये इतना बड़ा पत्थर है, किसी बर्फ के तूफान से थोड़ी ना हिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम भी थोड़ा चिल मारो। तुम्हारे हाथ छोटे पड़े हैं। समय नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही गहरा है? अल्लू को
कछुआ ने कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान कछुआ है। पक्का ना तुम ये ट्राई करना चाहते हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब तुम अपने चॉकलेट्स और बिस्किट्स के बॉक्स का पासवर्ड मुझे दे दो। अगर तुम गिर गए तो वो सब कुछ मैं खा लूँगा। यही वो समय है जब अपने साहस के भरोसे मैं इस पुल को पार कर जाऊंगा। और अंडे की शक्ति की मदद से मैं भूतकाल में जाके तुम्हारी बीमारी का इलाज करूंगा। डॉक्टर, बताओ क्या बात है? अब ये कैसी जगह है? तत्व का पढ़ाओ, जहाँ दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में कुड़कुड़ाती ठंड। अजीब मौसम है यहाँ। हजारों योद्धाओं और घोड़ों की सेना में से सिर्फ एक भरोसेमंद को ही वो खजाना मिलेगा। हजारों घोड़े, कुछ गहरी पहेली लगती है। चलो इस पढ़ाओ की चाबी ढूंढते हैं। मुझे लगता है उस पार कुछ है। लगता है उस पार कुछ तो गड़बड़ हुई है। आलू, मुझे अपनी दूरबीन दो।
हाँ? और कितने देर अंदर रहने का इरादा है? ये तो सच में चले गए। अय्या, मेरे बम्बू में कुछ अटका। तुम्हें कैसे पता कि हम रेत में घुसेंगे तो वो नहीं ढूंढ पाएंगे? ये चींटियां हमें शरीर के तापमान से ढूंढ सकती है। रात में तापमान कम होने की वजह से ढूंढना आसान हो जाता है, तो ये रात में बाहर आ जाती है। लेकिन रेत में छुपने की वजह से शरीर का तापमान कम हो जाता है, इसलिए वो चींटियां हमें ढूंढ नहीं पाए। हाँ, ये बात है। चलो अब यहाँ से चलो, इससे पहले वो वापस आ जाए। हजारों घोड़े और योद्धाओं का मतलब शायद चींटियों की गुफा से था। चलो चलो। यही होना चाहिए। उस पत्थर की तरफ देखो। भरोसे मन को ही खजाना मिलेगा। रद्दू, तुमने मुझ पर भरोसा किया और ये लेवल पार कर लिया। आलू, मैं वो खरगोश हूँ जो पड़े से बड़ा लेवल पार कर। जल्दी इसे उठा लेते हैं, इससे पहले चूड़िया वापस आ जा। डॉक्टर वो अंडा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगता है ये उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया और मुझे कितना लाड़ प्यार दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उनका कर्ज चुका दूं, किसी भी हालत में। आलू, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा ना? मेरा तो पैर कांप रहा है, मैं तो पूरा कांप रहा हूँ। आलू, जल्दी कुछ सोचो, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मैंने वो किताब पढ़ी है, ये आसान है, तुम सीधे चलते जाओ और नीचे मत गिर जाना। ये और कोई रास्ता नहीं है रद्दू। हमें मिल गया।
मेरे पास थोड़े से और तो हैं। चिंता मत करो, रड्डू खरगोश और आलू की सबसे बेहतरीन जोड़ी है, वो सब लेवल पास कर सकते हैं और मिशन कंप्लीट करने के बाद हमें बचा लेंगे। दिशा जरूर इस तरफ होगी। पिछली बार भी हम तुम्हारी वजह से रास्ते भूल गए थे। अब हमें ये भी नहीं पता पूरब की दिशा कहाँ है। सत्यानाश हो गया। अरे अरे ये वापस दो, इधर आ, मुझे मेरी किताब दो। ए, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, कोई साइंटिस्ट? ये बुक मुझे वापस करो। रुक जाओ,
ना एक दूसरा पढ़ाकू कीड़ा। अच्छा वो किताब मुझे वापस करो। रुक जाओ। मैं थक गया। कितनी तेज भागता है ये। मैं बहुत ही जल्दी थक गया। आलो आलो मैं यहाँ हूँ। अब मैं बन गया उड़ने वाला खरगोश। जब कीमती अंडा मिल जाएगा तब मेरा सपना पूरा होगा। मैं उसे फिर देख पाऊंगा। मैं इस पल का 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ये पहाड़ तो देखो कितने अजीब हैं। पहाड़ को एक्टिवेट कर दिया। सूरज ढलने से पहले हमें इन टुकड़ों को पार करके उस चाबी को हासिल करना होगा, वरना ये टुकड़े धीरे धीरे करके नीचे डूब जाएंगे। अरे डूब जाने पे बताते क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ही कूद गए। याद रखना कि इस पहाड़ पर सब कुछ धातु का है, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तैर रहे हैं। अब ये मत कहना कि इन फूलों को पार करना है। आलो मुझे नहीं जाना। आलो मुझे सच में नहीं जाना। खरगोश तुम्हें गाना आता है क्या? म्यूजिक? हाँ बिल्कुल। मैं हूँ प्यारा खरगोश, सबसे प्यारा खरगोश, सबको मुझसे प्यार है, सब मेरे दीवाने हैं। बकवास। रड्डू खरगोश मैं जा रहा हूँ। Thank you.
यूं ही चढ़ गया और यहाँ पर पहुँच गया। कुछ भी अगर ये आलू इसे पार कर सकता है तो मैं तो सुपर टैलेंटेड खरगोश हूँ। मैं करूँगा बम्बो डांस। वरना फिर भरता बन जाएगा। देखो और सीखो। रट्टू अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मुझे फिर से करके दिखा सकते हो? मैं भूल गया। आलू ने इस पे पैर रखा था या इस पे? रट्टू रट्टू जल्दी करो, जल्दी धराओ, तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे क्या है? हाँ
लड्डू खरगोश वो देखो। भूतकाल में जाके भविष्य बदल दूंगा। वो लोग अंडे को वापस ले आए। बढ़िया, वो लोग सुरक्षित वापस आए। जल्दी मुझे दे दो। क्या तुम्हें उन्हें बचाना नहीं है? हम उन्हें अंडा नहीं दे सकते। अगर अंडा उनके हाथ लगा तो वो दुनिया बर्बाद कर देंगे। रड्डू खरगोश, हमें बक्सा दे देना चाहिए। क्या तुम क्या कर रहे हो आलू? रड्डू खरगोश, क्या तुम्हें कुछ याद है? क्या तुम दोनों का हो गया? बॉक्स मेरे हवाले कर दो इसी वक्त। अगर तुम्हें बॉक्स चाहिए तो हमारे दोस्तों को आजाद करो। ठीक है, मैं उन्हें अभी छोड़ देता हूँ। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। और अब आपकी बारी है, बॉक्स हमारे हवाले कीजिए। मेरा सपना सच हो रहा है। कितनी खुशी की बात है डॉक्टर, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ये खुल क्यों नहीं रहा है? मैंने इसे इतने मुश्किल से पाया है। अच्छा, तो ये यहाँ से खुलता है, तो मुझे चाबी दे दो। तुम्हारे पास इसकी चाबी होगी। अब कौन सी चाबी? तुमने तो हमें बॉक्स लाने को कहा था ना? अब चाबी कहाँ से आई? हाँ, मैंने इस पर बहुत सालों तक रिसर्च की है, कहीं किसी चाबी के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। शायद इसकी कोई चाबी ही नहीं है। बस करो, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये तो तुम्हारे हाथ में है। Hello, catcher! What's up there?
भालू ये पकड़ो। तुम भाग नहीं सकते, देखता हूँ कहाँ भागोगे। अभी तो चलो तुम क्या कर लगा रातो? मैं पकड़ लूँगा। ये कीड़े मकोड़े मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। कर दो जाओ। बिजली का हथियार ये लो। ये तो चीटिंग है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुश्मन को भून डालो। क्या ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा शुक्रिया अंडा चोर। डॉक्टर चाबी मेरे हवाले कर दो, ये दो। इतना दिमाग खराब है क्या? किसी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं। हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे। रतो मुझे कवर दो। ठीक है। शुरू करो। अब समय आ गया है। अब तुम रहते खरगोश के पास से बचो। मिस्टर रड्डू खरगोश मुझे माफ करना। रड्डू खरगोश डॉक्टर मुझे वो चाबी मिल गई। डॉक्टर
ये लीजिए चाबी। बहुत बढ़िया, मेरा सपना पूरा होने वाला है, आखिर में पूरा होने वाला है। मैं अपने मुकाम तक पहुंच गया। टीना, मैं आ रहा हूँ। नहीं, अब उसे वो अंडा मिल जाएगा। तुम्हारे साथ भगवान ऐसा बर्ताव क्यों करता है? इतने छोटे से वक्त में मैंने तुम्हारे साथ जो भी वक्त बिताया वो बहुत ही अच्छा वक्त था। हर दिन खुशी से भरा था। तुमने हर दम मेरा साथ दिया, मेरी रक्षा की। अब तुम दुखी मत हो, मैं तो कितनी खुश हूँ कि मेरे आखिरी दिनों में तुम जैसा दोस्त मेरे पास है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वादा करो तुम इस दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाओगे। अलविदा। नहीं, टीना। नहीं, टीना, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। मुझे तो सिर्फ भूतकाल में जाके तुम्हें बचाना था। क्यों? दर्द, जुदाई और अकेलापन जिंदगी का हिस्सा है, इसीलिए हमें अपना बीता हुआ कल बहुत ही अजीज होता है। पर जब हम अपने कल को ज्यादा महत्व देते हैं तो आज की खूबसूरती को नहीं देख पाते। मन में प्यार होना और हर तरफ प्यार बिखेरना शायद उसकी आत्मा को शांति देगी। एक बात समझो, जो बीता हुआ कल है उसे भूलकर आने वाले कल को स्वीकार करो खुशी से। रीटा, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये तो सुधर गया। मेरा मिशन यहाँ पूरा होता है। अब कीमती रंगीन डायनासोर अंडे की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम पर। चिंता मत कीजिए, हम उस अनमोल अंडे को सुरक्षित वापस पहुँचा देंगे। तो ठीक है, मैं अपनी खोज पे निकलता हूँ। रड्डू और आलू, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। आलू, कहानियाँ तो ये कहती हैं कि जिसको अंडा मिले वो अपना गुजरा हुआ कल बदल सकता है, तो फिर डॉक्टर कयामत ने अपना कल बदला क्यों नहीं? कहानियाँ तो बदली भी जा सकती है ना। एक कीमती अंडे में इस तरह की कोई ताकत हो भी सकती है क्या? कहानियों में तो कुछ भी होता है। शांत रहो राक्षस, मेरे पास अंडा नहीं है। याओ! हम तो भूल ही गए कि बॉक्स में अभी भी अंडा पड़ा है। हाँ, एक बहुत ही खास कीमती डायनासोर का अंडा। यहाँ से भागो!
मजबूत होता।